आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं चंद लाइनें आपके सामने नारी के ऊपर रखना चाहता हूं, उसके स्वरूप को आपको समझाना चाहता हूं। उम्मीद है शायद आपको पसंद आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस सृष्टि में युगो युगो से यही विस्मय हर बार हुआ, नारी से ही इस सृष्टि में जीवन का संचार हुआ, नारी से ही इस सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। जीवन का स्रोत हो तुम, प्राणों का आधार हो तुम, जीवन पालक भी तुम हो, प्रेम रूप साकार हो तुम। और क्योंकि नारी के कई रूप हैं, तो उनमें से सबसे पहले मैं मां रूप आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले माता रूपी, ईश्वर से परिचय होता है, तब जाकर के जीव जगत में जीवन चक्र प्रारंभ होता है, और नारी का ही एक रूप जो बहन के रूप में होता है, उस पर भी चार लाइनें आपके सामने के बहन रूप में जीवन का तो, एक प्यारा सा रूप दिखता है, स्नेह प्रेम और मित्रता का प्यारा सा संगम मिलता है, उसके बाद एक रूप है पत्नी का, तो पत्नी के रूप में पत्नी है रूप समर्पण का, है त्याग प्रेम की परिभाषा, घर को तो ये घर है बनाती, जीवन में लाए एक नई आशा, और जब वो बेटी के रूप में हमें मिलती है, तो उस पर भी चार लाइनें आपके सामने मैं रखता हूं। जब आती है बेटी बनकर, तो खुशियां अपार लाती है, जीवन को ये तन मन धन से, फूलों सा महकाती है और इन सब स्वरूपों को मिलाकर जब जीवन बनता है, तो उस पर चार लाइनें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि इन्हीं रूपों से खिला है जीवन, नारी तेरे अनंत उपकार, और ऋषियों ने भी कहा है ये तो, नारी वंदनीय बारंबार, दोस्तों वैसे तो नारी के किसी भी स्वरूप की तुलना करना बहुत मुश्किल है, और मैं चाहता हूं कि नारी का ये स्वरूप आपको मेरी इन लाइनों के माध्यम से पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे पसंद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी को नमस्ते।